अगला स्टेशन दिल्ली हाट INA है, यहाँ पिंक लाइन के लिए बदलें। तो भाई साहब आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है, बड़ी मजेदार होने वाली है। भाई आज आपको लेके आया हूँ साउथ दिल्ली में INA मार्केट के खाने दिखाने के लिए। भाई इतने खाने दिखाऊंगा मजा आ जाएगा, वो कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस होगा और इस मार्केट के अंदर ना बड़ा कुछ है खाने के लिए। आओ दिखाता हूँ मैं। तो भाई साहब INA मार्केट में घूम रहे हो और एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आप भटूरे छोले खाना चाहते हो। भाई भटूरे छोले ना भाई पंजाबियों की जान और शान होती है, तो भटूरे छोले के बिना गुजारा नहीं होता। भाई सबसे पहली जो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, भटूरे छोले दिखाने लगा हूँ, आ जाओ दिखाता हूँ। तो भाई जिस दुकान पे आया ना उसको कहा जाता है RDA चाट भंडार। ये देखो भाई इस दुकान के जो करता धरता हमारे साथ है, नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। भैया जी RDA को कितने साल हो चुके हैं? इसको करीब करीब 11 साल हो गए जी। 11 साल? हाँ जी। तो आपके पास आइटम में क्या क्या होती हैं? मेरे पास जो छोले भटूरे होते हैं, राम लड्डू होते हैं, आलू टिक्की है, भल्ला पापड़ी है, साउथ इंडियन पूरा है, बेकरी है और सबसे चाइनीज है पूरा, और हमारा 100% वेज होता है। अच्छा 100% वेज। 100% तो भैया भटूरे लगाओ हमारे लिए यार। तो अपने टाइमिंग क्या रहते हैं भैया? टाइमिंग भैया सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे। तो भाई लाइव बनते जा रहे हैं यहाँ पे भटूरा। ये देखो साथ साथ में ये छोले हैं, ये देखो जी इनके छोले सेमी ग्रेवी वाले छोले हैं, मतलब थोड़े लटपट ऐसे होते हैं ना, सूखे छोले नहीं है, और साथ साथ में गर्मा गर्म भटूरे निकाले जा रहे हैं। शौक रखते हो भटूरे छोले खाने का, INA मार्केट में घूम रहे हो, तो भाई साहब ये दुकान आपके लिए बेस्ट है कि यहाँ पे आके आप भटूरे छोले खा सकते हो। भटूरे छोले के अलावा बड़ा कुछ मिलता है, राम लड्डू हैं, सांभर वड़ा, डोसा, चाइनीज़, और सिटिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आराम से मज़े से खाओ, इंजॉय करो भाई भटूरे छोले। पंजाबियों का वैसे भी हिसाब किताब नहीं बनता बिना भटूरे के, नाश्ता तो हैवी होना चाहिए भाई। तो ये निकलते जा रहे हैं भटूरे। ये देखो भैया भटूरे की प्लेट कितने की होती है? सिर्फ 80 रुपये प्लेट है जी। 80 रुपये? हाँ जी। तो भैया टाइमिंग क्या होते हैं अपनी दुकान के? सुबह 10 बजे से जी रात को 9:30 बजे। भटूरे कितने बजे तक मिलते हैं भैया? भटूरे 6 बजे तक। 6 बजे तक? हाँ जी। क्या बात है जी, 6 बजे तक भटूरे मिलेंगे आपको। तो ये देखो जी, ये है जी सिंपल सा सेटअप, बढ़िया सा सेटअप। तो भाई अपने लिए प्लेट लग रही है, सबसे पहले प्याज आ गया प्लेट में, साथ में आ गई जी हरी मिर्ची का अचार, उसके बाद आ गई है पुदीने वाली चटनी। ये देखो पुदीने वाली चटनी के बाद आ गए जी इसमें छोले। ये देखो छोले आ गए, उसके बाद आएंगे जी भटूरे। ये देखो जी ये भटूरा आ गया, 80 रुपये की प्लेट होती है। और सिंगल भटूरा कितने का होता है भाई? सिंगल 50 का। ये देखो जी, तो ये अपनी प्लेट तैयार हो गई है, मैंने सिंगल लगवाया है क्योंकि अभी बहुत कुछ दिखाना है आपको, वीडियो के अंत तक बने रहना, आज बड़ा ही मजा आएगा। अच्छा मैंने भटूरा लगवाया सिंगल, और ये भटूरे का जो साइज़ है ना अच्छा खासा साइज़ है, कोई छोटे साइज़ का भटूरा नहीं है, एकदम गर्मा गर्म भटूरे हैं भाई, ज़बरदस्त भटूरा है, देखने में अच्छा लग रहा है। मैं अंदर से पहले चेक करता हूँ इसके अंदर फिलिंग किस चीज़ की है। ये देखो, ये देखो भाई अंदर तो किसी तरह की कोई फिलिंग नहीं है, प्लेन भटूरा है, बट इसके छोले ना बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो भाई इसके छोले ना बड़े अच्छे लग रहे हैं, एकदम लटपटे हुए। ये देखो तो भाई ये मैंने एक सिंगल भटूरा दिखाया जिसकी कीमत 50 रुपये है, दो भटूरे जो हैं कुल प्लेट जो है 80 रुपये की प्लेट है। अच्छा ऑप्शन है कि आप INA मार्केट में घूम रहे हो तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो भाई आना खाना, हमें बताना हमारी रिकमेंडेशन कैसी लगी। मैंने ये सिंगल भटूरा इसलिए लगाया क्योंकि आपको बड़ा कुछ दिखाना है, आ जाओ मेरे साथ। तो भाई इस मार्केट की बात करूँ, इस मार्केट के अंदर ना ऐसी ऐसी दुकानें भाई साहब, ऐसी ऐसी दुकानें जो आपको इंटरनेशनल सब्जियां, वेजिटेबल, इंटरनेशनल फ्रूट, इंटरनेशनल मसाले, नूडल्स, ऐसी ऐसी आइटमें मिलेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे आते हैं NRI लोग आते हैं। और यहाँ पे ना भाई साहब रश लगा रहता है भाई, इतनी गाड़ियाँ मैं दिखाऊँगा ना, अक्सर गाड़ियाँ जो लगी होंगी एम्बेसी की गाड़ियाँ लगी होंगी, तो यहाँ पे आइटमें मिलती हैं बहुत अलग अलग की मिलती हैं। तो भाई उस मार्केट के अंदर आपको दिखाने के लिए गए, और ऐसी दुकान पर भी लेके जाऊँगा जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती हैं, आज मैं दिखाता हूँ। भाई INA मार्केट में घूम रहा था, सचदेवा जी हमारे साथ हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है भाऊ जी? बहुत बढ़िया। तो भाऊ जी ने जाते जाते हमें आवाज़ मार के रोक ली, कहता है आपके फॉलोवर हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, इनकी वेजिटेबल की शॉप है और यहाँ पे वेजिटेबल ना कुछ अलग टाइप की मिलती है। किस नाम से आपकी दुकान? सचदेवा वेजिटेबल। सचदेवा वेजिटेबल, और ये वैरायटी देखो जी, ये देखो कितनी सारी वैरायटी है वेजिटेबल की। ये साग है बहुत वैरायटी के अलग अलग। अच्छा ये नॉर्मल साग नहीं है सारे? पालक है, पालक है, कोई साग है, कलमी साग है, चुलाई है, लाल चुलाई है, राई है, सरसों है, मेथी है। क्या बात है जी, सब अलग अलग है। ये देखो ये वैरायटी देख रहे हो, वेजिटेबल की वैरायटी। ये मतलब इस मार्केट में तो वैसे ज़्यादातर सारी पूरी ऑल इंडिया की सब्जी मिलती है। ऑल इंडिया की सब्जी ना, जो सी मतलब यहाँ से, हाँ बाहर की भी आती है, सब जगह की आती है, पूरी मिलेंगी आपको, वैरायटी सब मिलेंगी। तो भाई मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि ये देखो मार्केट के अंदर ये मशरूम हम लोग खाते हैं, मतलब नॉर्मल मशरूम है। ये देखो इसको कहते हैं किरमिनी, पता नहीं क्या कहते हैं, किरमिनी कहते हैं मेरे ख्याल से। और ये मशरूम देख रहे हो, बिल्कुल अलग टाइप की मशरूम है। उसके अलावा एक और मशरूम दिखाता हूँ, ये देखो
ये भी मशरूम है। तो मैं आपको कह रहा था इंटरनेशनल वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट मिलते हैं, और इस दुकान पे खड़ा हो ना, जिस दुकान पे बड़ी सारी वैरायटी है फ्रूट की और वेजिटेबल की, वो आपको मैं दिखाने के लिए लेके आया हूँ। इधर आओ, ये देखो भाई साहब, ये देखो जी, ये देखो भाई साहब। तो भाई ये चाइनीज कैबेज है, ये देख रहे हो भाई साहब। मैंने बोला आपको कि यहाँ पे ना जो लोग आते हैं, मतलब जो सामान मिल रहा है ना, तो इंटरनेशनल लोग आते ही हैं। और दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ सी फूड वाली मार्केट, आ जाओ। तो भाई INA मार्केट में आया और आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ सी फूड। और ये देखो किंग फिश है भाई, कम से कम नाना करते 10 किलो की होगी ये, इतनी भारी मेरे से उठाई नहीं जा रही। और क्या क्या वैरायटी है सब दिखाऊंगा, कहाँ पे आया हूँ सब बताऊंगा आपको, आ जाओ मेरे साथ बताता हूँ। इसके अंदर ये देखो लॉबस्टर, और ये देखो चंबो प्रॉन, ये देख रहे हो भाई साहब, ये देखो। उसके बाद ये कौन सा प्रॉन है भाई, ये भी जंबो प्रॉन है, ये देख रहे हो जबरदस्त वाला। और ये क्या आइटम है भाई, ये देखो ये ऑक्टोपस, ओए होए 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 भाई साहब, देख रहे हो जबरदस्त। मैं जैसे कह रहा हूँ ना आपको, जिस दुकान पर लेके आऊँ ना, हर तरह का आपको सी फूड मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये क्रैब देख रहे हो भाई साहब। पर अभी थोड़ी सर्दी पड़ेगी ना, सर्दियों में ना यहाँ पे लाइव भी मिलेंगे आपको, जिंदा क्रैब भी मिलेंगे, और बड़ी सारी वैरायटी मिलेगी यहाँ पे। और ये देखो ये कौन सी है, ये देखो फिश, देखो मैकरल फिश है ये। और कौन कौन सी वैरायटी अपने पास दिखा दो यार जरा। हमारे पास सी बास है, ये क्या सी बास हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा, इसके अलावा रेड स्नैपर ये है जी, रेड स्नैपर, ये देखो ये रेड स्नैपर है भाई साहब। इसके अलावा और क्या क्या वैरायटी होने वाली है भैया? उसके बाद ब्लैक पॉम्फ्रेट है, ब्लैक पॉम्फ्रेट, ये देखो जी ब्लैक पॉम्फ्रेट, क्या बात है। बेबी स्नैपर हाँ जी, बेबी स्नैपर, ये देखो जी बेबी स्नैपर है भाई साहब, जबरदस्त वाली वैरायटी है, बड़ी सारी क्वालिटी है। और ये देखो ये पॉम्फ्रेट है, पॉम्फ्रेट आ गई भाई साहब, ये देखो जबरदस्त वाली। ये रोहू फिश है, रोहू बड़ा रोहू, ओहो, ये देखो जी रोहू फिश, रोहू कहते हैं रोहू, हाँ जी रोहू, ये रोहू, ये तो बंगाल में ज्यादा खाते हैं ना। हाँ जी, तो भाई साहब ये रोहू फिश आ गई, और बड़ी सारी वैरायटी है इनके पास, दिखाऊंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सालमन है, ये देखो जी सालमन फिश भाई साहब, ये तो पानी हो जाती है ना, बाहर निकाल दो ना। ये सबसे महंगी होती है भैया? हाँ जी। कितने रुपए किलो होती है ये? 2500 2500 किलो होती है। ये है टूना फिश हाँ जी, क्या बात है, ये टूना फिश है भाई। ये कहाँ से आती है भाई टूना फिश? आंध्रा से हाँ जी। ये सिंगाड़ा है, ये आगे सिंगाड़ा, ये जो लोग मतलब इंडियन जो खाते हैं, पंजाबी खाते हैं, पंजाबी तो वैसे सुरमा ही खाते हैं ज्यादा है ना, सिंगाड़ा सुरमा ही, सोल तीन चीज ज्यादा, तीन चीज है ना। और ये मल्ली, सुरमई और सोल तीनों खाते हैं। ये देखो ये है मल्ली, ये है जी मल्ली, ये चलती है पंजाब में सबसे ज्यादा, देख रहे हो क्या बात है। तो भाई इनकी दुकान का नाम है पिक फ्रेश फिश शॉप, नंबर 201 और 201 दुकान का नंबर है। और INA मार्केट में आना भैया, टाइमिंग क्या रहते हैं अपनी दुकान के? 9 to 9 है। तो छुट्टी किसी दिन नहीं, कोई 7 डे ओपन, 7 डे ओपन है। और आपको जो डिलीवरी वगैरह करानी हो, दिल्ली में करवा देते हो ना? पूरी दिल्ली में ना, दिल्ली NCR पूरी जो है ना। तो भाई स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, कॉल कर लेना और यहाँ से डिलीवरी करवा लेना। पार्टी पुटी के लिए ऑर्डर देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो, और इतनी सारी वैरायटी है ये देख सकते हो आप। देखो पीछे से आवाज आ रही है कि इटालियन है, चीज है भाई, हरा भरा, ये पता नहीं कितनी सारी वैरायटी है। मेन आइटम है ना यहाँ की, मतलब जो हीरो आइटम है, और हीरो आइटम है ना क्या, दही के छोले। आओ दिखाता हूँ, शर्मा जी से बात करते हैं, आ जाओ। यहाँ पे बनाया जा रहा है बड़ी खास आइटम, बड़ी शानदार आइटम, जिसको कहा जाता है भाई दही के छोले। दही के छोले तो आपने बड़े 5-star होटलों में खाए होंगे, बट एक ऐसी जगह है INA मार्केट के अंदर, जहाँ पे भाई एक स्ट्रीट के अंदर अच्छा सा दही के छोले खिलाए जाते हैं। और वैरायटी भी इतनी सारी, कम से कम 5-6 तरह की, भैया 5 तरह की वैरायटी है। और उसके अलावा ना और भी बड़ा कुछ मिलता है यहाँ पे। तो ये देखो इनकी एक आइटम ये है, ये क्या कहते हैं उसको, हरा भरा कबाब, ये इनका हरा भरा कबाब, ये देख रहे हो ये हरा भरा कबाब है, हरा भरा कबाब भी बनाया जाता है। और ये कौन सी आइटम है, ये कौन सी टिक्की है? अच्छा बर्गर की टिक्की है, तो ये है जी बर्गर की टिक्की, ये देखो। और साथ में बन रहे हैं लाइव दही के छोले, ये देखो। तो भाई साहब ये निकाल दिए, ये देखो जी ये निकाल दिए उन्होंने, देख रहे हो दही के छोले। पीछे से ऑर्डर आता रहता है कि भाई दो चीज़ दे दो, दो अफगानी दे दो, दो इटालियन दे दो, भाई बड़ी सारी वैरायटी है। तो ये चलता रहता है सारा दिन सिलसिला, ये देखो जी ये तैयार हो रहे हैं दही के छोले, निकाल दिए भाई साहब, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं।
एकदम क्रिस्पी, एकदम गोल्डन कलर के। ये देखो, ये देखो क्या बात है जी, क्या गजब लग रहे हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है भाई। तो क्या क्या आइटम है वो सब दिखाऊंगा मैं आपको, मज़ा आएगा। ये देखो तो भाई, यहाँ से दुकान पे चले जाते हैं और उसके बाद सेल किए जाते हैं, मतलब खिलाए जाते हैं लोगों को। ये देखो जी, और आ गया दुकान भाई। ये लो जी शर्मा जी, थैंक यू सर। ये देखो तो भाई, यहाँ से सेल किए जाते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, क्या खिला रहे हो ऐसा, इतना प्यार बांट रहे हो? सर हमारा दही के शोले खाइए आप। अच्छा, दही है, चीज है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये तो मुझे 17 साल हो गई। 17 साल से खिला रहे हो? हाँ जी। पहले तो कहते थे दही के छोले ना सिर्फ 5-star होटलों में ही मिलते थे। हाँ, नहीं, अब तो हमारे अपने स्ट्रीट में मेरे ख्याल से पहली दो दुकान है जो स्ट्रीट में खिला रही है। कौन सी कौन सी वैरायटी होती है अपने पास? हमारे पास दही के छोले हैं, पनीर के हैं, चीज के हैं, इटालियन चीज है, अफगानी है। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं क्राउड दिखाता हूँ। अब जो दिन का क्राउड है ना, सुबह का क्राउड, ये देख रहे हो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं खाने के लिए आए हैं, दूर दूर से लोग खाने के लिए आए हैं। और ये क्या आइटम है? ये हरा भरा कबाब। हरा भरा कबाब, और वो मतलब आप पहचानते कैसे हो, निशानी कैसे पहचानते? ये हमारे निशान लगा होता है। अच्छा, निशान लगा होता है। तो अपनी टाइमिंग क्या रहते हैं शर्मा जी? सुबह 9:30 बजे से शाम को 8:30 बजे तक। ऑनलाइन भी होता है अपना? बिल्कुल। स्विगी जोमेटो पे भी होता है? दोनों पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा। इटालियन चीज है, ये इटालियन चीज है। चीज देख रहे हो कितना भर भर के आ रहा है इसके अंदर। ये देखो ये इनका शर्मा जी का चीज वाला। ये देखो व्हाइट सॉस, इतना चीज बोल तो भाई पिज्जा में नहीं होता जितना इनके दही के छोले के अंदर है। तो ये UFO बर्गर क्या होता है, वो आपने चालू करा है? ये अभी नया बर्गर है जो उड़ता हुआ बर्गर है। उड़ता हुआ? हाँ जी। मतलब जो खाएगा उड़ेगा या जो? नहीं नहीं, उसको आपको खाना ही नहीं पड़ेगा, बनाने वाला उड़ेगा। खाने वाला उड़ेगा। शर्मा जी के साथ साथ आंटी जी भी लगे होते हैं। आंटी जी नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो? शर्मा जी हमारे लिए भी लगा देना दो है, एक सिंपल वाला लगाना, एक जो बेस्ट है वो लगा देना। हरा भरा, ये जी हरा भरा कबाब देखो। ये देखो जी, ये देखो जी, ये इनकी दुकान की आइटम सब। ये देखो, ये इनका मेन्यू है पूरा, देख लो भाई। पहले तो 4-5 आइटम होती थी, अब तो मेरे ख्याल से 10 से ऊपर आइटम हो गई है। ये देखो, ये लग रहा है अफगानी। ये कौन सा? अफगानी। अफगानी है। ये देखो छोले लग रहे हैं अफगानी। अफगानी में क्या होता है? अफगानी मसाला, पनीर, ड्राई फ्रूट। अच्छा, ये दही है? ये दही है, ये दही के छोले सिंपल वाले। दो तरह की चटनी मिलती है, एक हरी चटनी और एक चटनी होती है इनकी मीठी वाली। ये देखो, ये मीठी चटनी साथ में हरी चटनी। तो ये देखो अपनी अपनी चॉइस है, कोई क्या खाना चाहता है, कोई क्या खाना चाहता है। ये देखो, ये आगे अपने दही के छोले शर्मा जी के दुकान के। अपने टाइमिंग और लोकेशन बता दो आपकी दुकान पे आने के लिए, लोकेशन क्या रहेगी? ये सर हमारी दुकान की जो टाइम है सुबह 9:30 बजे से शाम को 8:30 बजे तक। अच्छा, ये लोकेशन जो है कश्मीरी मार्ग की सफदरजंग एयरपोर्ट का पुल उतरते ही सामने एकदम कोने की दुकान है। टक्कर की दुकान आपकी है ना? टक्कर की दुकान हमारी। तो भाई कभी भी साउथ दिल्ली की तरफ आ रहे हो ना तो शर्मा जी के पास होकर जरूर जाना। बाद में मत कहना कि पाजी आपने बताया नहीं, मिस कर दी ये चीज़ हमने। ये देखो जी, ये है जी दही के छोले, प्लेट लग गई है, टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ भाई कैसा जायका। ये मेरी प्लेट आ चुकी है, मैंने दो तरह के छोले लगवाए, अफगानी लगवाए और दही वाले लगवाए। और दही वाले पहले दिखाता हूँ आपको, जो ये सिंपल वाले होते हैं मेरे ख्याल 40 रुपीज़ का एक पीस है ये। और ये देखो बाहर से एकदम, ये देख रहे हो, मैं दिखाऊँ आपको, पता नहीं माइक बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा आपको। ये देखो, ये फुल क्रिस्पी, ये देखो फुल क्रिस्पी है। और इसके अंदर जो स्टफिंग है ना अनियन की और साथ में कैप्सिकम की, दो तरह की चटनी दी जाती है। तो ये देखो, तो भाई बिना चटनी के पहले एक बाइट लेता हूँ, हरी चटनी के साथ लेता हूँ। मैंने ऊपर से दिखाया आपको कितना क्रंची होता है, अंदर से ना एकदम मलाई की तरह, मखमल की तरह, मतलब मुंह में डाल जाते ही ना गायब, कहाँ चला गया नहीं पता। और ये है इनका अफगानी, ये है इनके अफगानी छोले। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, ये इसके अंदर देखो क्या स्टफिंग है, किशमिश नजर आ रहा है, कैप्सिकम है, कुछ मसाले हैं, ज़बरदस्त लग रहा है। ये भी जो ऊपर मार्का लगा रखा होता है वो उनको अपनी पहचान होती है कि कौन सी आइटम क्या है, वो अपने मार्का लगा रखा है उन्होंने। और ये देखो, ओए होए होए होए, भाई INA मार्केट के अंदर आकर आपने ये चीज़ ना खाई, या मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर आके, मैं दिल्ली की भी गारंटी कहता हूँ, दिल्ली की भी गारंटी देता हूँ आपको, दिल्ली के अंदर आके ये आइटम नहीं खाई ना, बहुत कुछ मिस कर गए हो भाई। सुबह का टाइम है, चाय का लंच का टाइम है, शाम को चाय का टाइम है, किसी टाइम पर ना आप खा सकते हो। शाम को 8-8:30 बजे तक इनकी दुकान खुली रहती है। ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो ऑनलाइन मंगवा सकते हो, स्विगी जोमेटो कर सकते हो, सर्च करना आप शर्मा दही के छोले के नाम से इनकी दुकान आएगी। आना, खाना हमें बताना, हमारी रिकमेंडेशन कैसी लगी भाई, फिनिश करके जाऊंगा।
इसके अगले वाला जो जायका दिखाऊंगा वो भी बड़ा कमाल का होने वाला है। आ जाओ मेरे साथ, मैं फिनिश करता हूँ इसको। तो भाई INA मार्केट के अंदर घूम रहा हूँ, और INA मार्केट में ना एक ऐसी दुकान पे है जिस पर लिखा हुआ डोसा जंक्शन। डोसा जंक्शन के नाम से दुकान है, और यहाँ पे ना भाई साउथ इंडियन मिलता है बहुत शानदार, बड़ा मजेदार वाला, और काफी सालों से ये दुकान चल रही है। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता सब दिखाऊंगा आपको, टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा भाई एक आधी आइटम लगवाएंगे। आ जाओ मेरे साथ भाई, जो दुकान आप दिखाने के लिए लेके आए हो ना, यहाँ पे साउथ इंडियन मिलता है, चाउमीन मिलती है, ये देखो रावा डोसा लग रहा है, साइज चेक करो रावा डोसा का, ये देखो जी। ये क्या उत्पम, ये बन रहा है उत्पम, ये देखो भाई इसको साउथ इंडियन पिज्जा भी बोल सकते हैं, क्यों जी सही बात है ना भैया इसको। ये देखो तो भाई बहुत बड़ा सा तवा लगा रखा है जिसके ऊपर साउथ इंडियन तैयार किया जा रहा है, रावा मसाला डोसा, उसके बाद उत्पम तैयार किया जा रहा है। INA मार्केट में आओ ना, इस दुकान पे आप आ सकते हो, दुकान का नाम है भाई डोसा जंक्शन के नाम से इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा भाई साउथ इंडियन में। तो भाई मैं भी अपनी एक दो आइटमें लगवाता हूँ यहाँ से, टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये देखो जी, ये है इसमें इडली, ये देखो जी क्या बात है जी, ये देखो जी, तो ये देखो ये इडली रखी हुई है इसके अंदर। स्टीमर चेक कर रहे हो कितना बड़े साइज का स्टीमर है, ये है जी उत्तपम, ये बना रही है एकदम बढ़िया, मतलब मेरी लैंग्वेज में ना इसको साउथ इंडियन पिज्जा भी बोल सकते हैं, और हेल्दी भी और अच्छा भी होता है भाई। ये मेरे लिए बन रहा है मसाला डोसा, और ये देखो जी ये मसाला लगा दिया भाई। डोसे की बात करो कम से कम इनके पास 25 तरह के डोसे मिलते हैं, 20-25 तरह के डोसे हैं, और ये कॉम्बो का डोसा छोटा होता है, और नॉर्मल डोसा ये बड़े साइज का होता है। और इस मसाला डोसा कितने का, 130 भाई, 130 रुपए का मसाला डोसा, साथ में सांभर और चटनी दी जाती है। ये तैयार हो गया कॉम्बो, ये तैयार हो गया जी अपना मसाला डोसा। मेरा मसाला डोसा तैयार हो गया, 130 रुपए कीमत है, सीधा टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ भाई। और उसके अलावा यहाँ पे गर्मा गर्म बड़े तैयार किए जा रहे हैं, और इधर रखी हुई है इन्होंने इडली। टाइम टाइम के साथ ना चीज़ें भी चेंज होती जा रही है, देखो चीज़ डोसा बीच में आ गया भाई मसाला। तो भाई कोई प्लेन डोसा पसंद करता है, कोई करता है मसाला, कोई करता है ऑनियन, कोई करता है बटर, कोई करता है भाई साहब चीज़ डोसा, कोई करता है वेज डोसा, तो अलग अलग वैरायटी है। ये चीज़ डोसा तैयार हो गया, ये देखो ये है जी इनका सांभर, ये देख रहे हो जबरदस्त। तो भाई आपको मैंने इस वीडियो में भटूरे भी दिखाए भाई साहब, उसके बाद मैंने दिखाया दही के छोले, उसके बाद मैंने आपको दिखाया साउथ इंडियन, उसके बाद मैंने आपको दिखाया भाई यहाँ की फिश मार्केट, मीट मार्केट, चिकन मार्केट, सब दिखाई मैंने आपको। तो भाई मैं वीडियो यहीं एंड करूँगा भाई, भाई भटूरों के साथ स्टार्ट की और साउथ इंडियन में एंड करने लगा हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैंने अच्छी चीज़ें दिखाई हैं जो INA मार्केट में आके आप ट्राई कर सकते हो। ये डोसे का साइज़ पहले मैं बता दूँ आपको, 130 रुपये मेरे ख्याल से ज़्यादा लग रहा होगा, मतलब एरिया के हिसाब से 130 रुपये बिल्कुल जायज़ रेट है, और साइज़ बहुत अच्छा खासा साइज है डोसे का। ये देखो खोल के, ओहो हो हो, ये है जी मसाला डोसा। ये पहले तो इसको खाने का मज़ा आता है भाई चटनी के साथ, ये देखो क्या बात है भाई, साउथ इंडियन ही है ना एक खासियत होती है। मैं ना बहुत जल्दी अपनी वीडियो में नहीं दिखाता, क्योंकि आजकल ना मतलब किसी भी स्टेट से आके ना लोग साउथ इंडियन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ना दिखाऊं, क्योंकि जो प्रॉपर साउथ इंडियन होता है ना ये लोग ही बना सकते हैं। उसके बाद जो बारी आती है, ये देखो ये लगाया, थोड़ा सा लगाया मैंने मसाला बीच में से, और साउथ इंडियन की एक खासियत मेरे को एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि ना ये हैवी होता है ना नुकसान करता है। तो ये साथ में आ गया जी सांभर, ये देखो ओए होए होए, एक बार ये इसके साथ ट्राई करूँगा, ये टोमेटो वाली चटनी के साथ, ओए होए भाई। इस वीडियो में ना आपको बड़ी ज़बरदस्त आइटमें दिखाई हैं, बड़ी शानदार आइटमें दिखाई हैं। INA मार्केट में आ रहे हो, आपने क्या ट्राई करना है वो मैं आपको बता दिया मैंने। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कुछ अपने सजेशन देना चाहते हो, कुछ अपनी राय देना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे आके हमें मैसेज DM कर सकते हो आप, कि आपकी वीडियो देख के आए हैं भाई ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी और आप ये ट्राई कर सकते हो। तो ये बताना कि अगली वीडियो आप कौन सी जगह की देखने जाते हो, वो दिखाऊंगा। आना खाना हमें बताना, हमारी रिकमेंडेशन कैसे लिखा, एक नई वीडियो मिलता है एक नई जगह, तब तक के लिए टेक केयर, सत श्री अकाल।